हेलो हाय फ्रेंड्स, जो आज का हमारा प्रोग्राम है वो प्रोग्राम है एक सेंसर आपके लिए लाए हैं। ये जो सेंसर आप देख रहे हैं ये एक्चुअली एक साउंड सेंसर है। तो साउंड सेंसर है मतलब साउंड को सेंस करेगा, उसके बाद ये अपनी एक्टिविटी अपना आउटपुट प्रोड्यूस कर देगा। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये सेंसर, एक्चुअली इसके अंदर 3 पिन आप देख रहे हैं। इसे कैसे यूज करते हैं और इसकी पिन पेरिफेरिकल या फिर कोई भी प्रोजेक्ट आप कैसे बना सकते हैं इसके माध्यम से, और ये कैसे काम करता है अभी पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। तो अभी देख लेते हैं, इसके लिए हमें चाहिए होगा एक ब्रेड बोर्ड, ठीक है। तो ब्रेड बोर्ड से पहले हम आपको इसकी पिन का बता देते हैं। तो पिन आप देख रहे हैं +5 वोल्ट, ठीक है। +5 वोल्ट का मतलब यहाँ पर आपको 5 वोल्ट देना है। आप 3.7 वोल्ट से 5 वोल्ट तक यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन यदि अच्छा आउटपुट आपको चाहिए तो आपको 5 वोल्ट ही देना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं देना है। उसके बाद आपको आउटपुट ये दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये जो बीच वाली पिन है ये आउटपुट है, आउटपुट मतलब एक्टिविटी के बाद ये अपना आउटपुट जनरेट कर देगा, मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी को। जैसे ही आप कोई फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि कोई साउंड या फिर कोई भी वॉइस वगैरह आप यहाँ पे डालते हो, मतलब ये सेंस करेगा, सेंस करने के बाद प्रोसेस करेगा। ये कंट्रोलर आप देख रहे हैं, सेंस करने के बाद ये अपना आउटपुट एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के माध्यम से जनरेट कर देगा, ठीक है। मतलब आउटपुट जो होगा वो इलेक्ट्रिकल एक सिग्नल यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। और ये ग्राउंड है, ग्राउंड मतलब जो भी 5 वोल्ट आप दे रहे हैं जिस बैटरी का भी या फिर अडप्टर का, उसी के माध्यम से आपको ग्राउंड भी देना है, ठीक है। मतलब नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, और यहाँ पर इसका आउटपुट होगा जो कि पॉजिटिव होगा। तो अभी इसे यूज कर दें, कैसे करते हैं अभी देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें एक ब्रेडबोर्ड चाहिए होगा, तो ब्रेडबोर्ड ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए, ये एक ब्रेडबोर्ड हमने लिया है, ठीक है। तो ब्रेडबोर्ड के अंदर इसके कनेक्शन कर दें, तो कनेक्शन आपको देखने, ठीक है। अभी हमने माउंट कर दिया है, तो माउंट कर दिया, यहाँ पर हमें +5 वोल्ट देना है, यहाँ पर आउट ग्राउंड देना है मतलब नेगेटिव, और यहाँ पर आउटपुट हमें मिल जाएगा। तो आउटपुट मतलब यहाँ पर एक एलईडी हम यूज करने वाले हैं। आप चाहे तो कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो सिंपली एक एलईडी यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर आउटपुट पे हम एक एलईडी कनेक्ट करते हैं। एलईडी देख रहे हैं ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। मतलब ये बड़ी लेग जो होती है वो पॉजिटिव होती है और छोटी लेग नेगेटिव होती है। तो बीच वाली पिन पर हमें पॉजिटिव कनेक्ट करना है, ठीक है। अभी देख रहे हैं हमने पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया है, ऐसे कर लेते हैं। तो ये पॉजिटिव कनेक्ट हो चुका है और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव को एक रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस हम नेगेटिव को नेगेटिव दे देंगे एक रेजिस्टेंस के माध्यम से। तो हम इसे ग्राउंड पे ही कनेक्ट कर देते हैं, देखिए हमने ये नेगेटिव एलईडी का नेगेटिव एक रेजिस्टेंस के माध्यम से सेंसर के ग्राउंड को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अभी इस पर पावर सप्लाई अप्लाई करते हैं, उसके बाद इसका देखते हैं कैसे ये आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है। तो अभी इसके लिए ये आप देख रहे हैं ये 5 वोल्ट इसके अंदर आया हुआ है। तो 5 वोल्ट कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव में पॉजिटिव देखिए +5 वोल्ट पर हमें रेड मतलब पॉजिटिव कनेक्ट करना है, देखिए अभी ये कनेक्ट कर दिया, और ये नेगेटिव मतलब ग्राउंड को नेगेटिव कनेक्ट करना है। तो ये हमने नेगेटिव यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। आप देख रहे हैं जैसे ही साउंड होता है तो ये करता है काम, ठीक है। अभी आपको पूरा हेलो 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 देखिए ये काम कर रहा है। जैसे ही हम वॉइस डाल रहे हैं तो ये एक सिग्नल जनरेट कर रहा है, जैसे ही हम बोलते हैं तो ये सिग्नल जनरेट करता है। इसी प्रकार ये काम करता है, आप आसानी से कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसके अंदर आप देख रहे हैं ये एक वेरिएबल रजिस्टर है, ठीक है। वेरिएबल रजिस्टर के माध्यम से आप इसका जो साउंड सेंसिंग है वो एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ पर आपको फिक्स करना है वो कर सकते हैं। यदि ज़्यादा साउंड पर आपको आउटपुट चाहिए तो आप इसे क्लॉकवाइज, और यदि कम साउंड पर आपको आउटपुट चाहिए तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं। उसके बाद इसका आउटपुट ऐसे ही जनरेट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।